मेरी सरकार सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज की 40% हिस्सेदारी के साथ राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। मेरी सरकार की बीजू पक्का घर योजना, निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना और मोर घर योजना सभी के लिए आश्रय सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उड़ीसा ने 2014-15 के बाद से 34.24 लाख पक्के मकानों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है, जिससे ग्रामीण आवास में यह देश का अग्रणी राज्य बन गया है। बीपीजीवाई लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्र पूरा करने के प्रोत्साहन प्रदान करने की अभिनय प्रथा ने देश में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत स्थापित किया है और अब तक राज्य में 8.42 लाख लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्रशीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1,387 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पहले से निर्मित पक्के मकानों की स्थिरता लाभार्थी परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने किसी भी सरकारी योजना में पहले से निर्मित मकानों के लिए अवधिक मकान मरम्मत अनुदान की अनुमति दी है और मरम्मत के लिए 27.28 लाख परिवारों को 819 करोड़ की सहायता दी है। मेरी सरकार से कि क्रेडिट लिंक हाउसिंग योजना मोर घर में हाल ही में ग्रामीण उड़ीसा के निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की है। ग्रामीण उड़ीसा को विकसित करने और विकास में तेजी लाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ग्रामीण उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए मेरी सरकार ने नई पहल आम उड़ीसा नवीन उड़ीसा शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत 50 लाख की राशि का हकदार है। मेरी सरकार द्वारा 3,397 करोड़ की कुल 90,650 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। जियो टेकिंग के साथ पहल की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक नागरिक केंद्रित समर्पित वेब आधारित MSIS प्रणाली और एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया और इसके क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ANO के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की गई है। शहरों के निर्माण और रख रखाव में झुग्गी झोपड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार अधिक भूमि अधिकार प्रदान करने और झुग्गियों को आदर्श कॉलोनी में बदलने के लिए जगह मिशन लागू कर रही है। अब तक 2.40 लाख से अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले परिवार को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। गंदी बस्तियों को रहने योग आवास में बदलने के लिए मेरी सरकार तेजी से गंदी बस्तियों को बाकी शहरों के समान आवश्यक बुनियादी ढांचे सुविधाएं और सेवाओं के साथ आदर्श कॉलोनी में बदल रही है। अब तक 1,364 गंदी बस्तियों को आदर्श कॉलोनी के रूप में उन्नत किया जा चुका है। 10 शहर पहले ही स्लम मुक्त शहर का दर्जा हासिल कर चुके। उड़ीसा दिसंबर 2024 तक सभी यूलवी में स्लम मुक्त स्थिति हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में कल्याण मंडपों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 10-10 नगर निगम, 4-4 नगर पालिकाएं और 2 अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के साथ लगभग 400 कल्याण मंडपों का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में नागरिक केंद्रित मोटर योग सड़कों के निर्माण के लिए 115 ULB में 1,200 किलोमीटर की चिन्हित कच्ची सड़कों को पक्के सड़क में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी उड़ीसा में जल निकायों को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए आम पोखरी पहल के तहत मिशन शक्ति SEG के साथ साझेदारी में प्राकृतिक आधारित उपचार को अपनाकर 2,000 से अधिक बड़े जल निकायों को बदल दिया जाएगा। मेरी सरकार के जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि को अधिकार उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है। मेरी सरकार की जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि अधिकार और उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है, बल्कि 2019 और 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास दिवस पर्यावास पुरस्कार जीतकर राज्य ने सशक्तिकरण का परिचय दिया है। शहरों को स्लम मुक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है ताकि हर परिवार के लिए सभ्य जीवन की सुविधा प्रदान करने के बाद बजाय नई स्लम बस्तियों के निर्माण को सक्रिय रूप से रोका जा सके।
सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। 2025 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। वर्तमान में 14,277 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 5.6 लाख ट्यूबवेलों और स्वच्छता कुआं, 12,683 सौर ऊर्जा डुअल पंप और 2,384 सौर पाइप जल आपूर्ति परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। अब तक राज्य के 69% ग्रामीण घरों, 68% स्कूलों, 59% आंगनबाड़ी केंद्रों और सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में पेयजल नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रत्येक शहरी परिवार को पाइप जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भारी निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 5 नगर निगम भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर और राउरकेला सहित 109 शहर शामिल है। राउरकेला ने 100% घरों में जल कनेक्शन हासिल कर लिया और छह शहर मार्च 2024 तक 100% घरों को कवर कर लेंगे। मेरी सरकार न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों के बराबर जल आपूर्ति सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए ड्रिंक फॉर टैप मिशन लागू कर रही है। पूरी और गोपालपुर यह गौरव हासिल करने के लिए करने वाले भारत के पहले और दूसरे शहर बन गए हैं। 24 शहरों में ड्रिंक फॉर टैप गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति का लाभ 23 लाख लोगों को मिल रहा। मनरेगा के तहत 2022-23 के दौरान 33.38 लाख परिवारों को रोजगार और 4.18 लाख परिवारों को 100 दिनों का काम प्रदान करते हुए 18.53 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। महिला कारोबार की भागीदारी 2021-22 में 46.1% से बढ़कर 2022-23 में 48 हो गई है। 2022-23 के दौरान 32,106 खेत कला, 15,856 कुएं खोदे गए और 13,391 भूमि विकास, 19,358 पशुधन आश्रय और 1906 बागवानी वृक्षारोपण और 1,257 मत्स्य पालन संपत्तियां बनाई गई। 2023-24 के दौरान मेरी सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ से अधिक मानव दिवस हासिल करना, जहां अब तक 30.69 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 15.13 करोड़ वर्तमान दिवस सृजित किए गए और 2.26 लाख परिवारों ने 100 दिन पूरे कर लिए। मेरी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को ट्रैक करने, अंतरराज्य समन्वय को मजबूत करने और विभिन्न आजीविका पहलों और कल्याणकारी योजनाओं से उनका जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 14 प्रवासनों संभावित जिलों में एक राज्य कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें एक देह मुक्त श्रमिक सहायता हेल्पलाइन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नई दिल्ली में उड़िया प्रवासी श्रमिक हेल्प डेस्क चालू हो गई है और संकट में फंसे उड़िया प्रवासी श्रमिकों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए मंजूरी दी गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 14 प्रवास प्रवण जिलों में जिला स्तर बलांगीर, बरगढ़, कालांडी और नुआपाड़ा के 20 ब्लॉकों के 290 ग्राम पंचायतों में प्रवासी श्रमिकों का घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करना, संकटपूर्ण प्रवासन के में कमी के लिए विशेष पैकेज में 1 वर्ष में 300 दिनों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार और बलंगीर, बड़गढ़, कालांडी और नुआपाड़ा जिलों के 20 ब्लॉकों में अकुशल मनरेगा श्रमिकों को पारस्परिक आधुनिक न्यूनतम मजदूरी के लिए बराबर किया गया। मेरी सरकार द्वारा बाल श्रम प्रथा उन्मूलन के लिए जागरूकता पैदा करने, बच्चों से संबंधित प्रासंगिक कानून अधिनियमों को सख्ती से लागू करने, बाल श्रम के बचाव और बचाए गए बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास का प्रावधान, उचित पुनर्वास के लिए 9 सरकारी विभागों के साथ मिलकर एक राज्य कार्य योजना लागू की जा रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों और संगठनों से 504 बाल और किशोर मजदूरों को बचाया गया। मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्ष की अवधि तक 40.68 लाख निर्माण श्रमिकों को उड़ीसा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया। 13.25 लाख पात्रता लाभार्थियों को
2146.64 करोड़ रुपए के लाभ वितरित किए गए। 3267.85 करोड़ रुपए प्रारंभ से ही लाभार्थियों को वितरित किया गया। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के और हितधारकों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए मेरी सरकार ने राज्य में संकट मुक्त निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ श्रम कानूनों में संशोधन आदि के साथ नई योजनाओं की शुरुआत, केंद्रीय निरीक्षण समन्वय समूह निरीक्षण प्रणाली को अपनाने जैसे सुधार किए। हमारे सामाजिक आर्थिक और विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमारे श्रमिकों की अपरियार भूमिका है। मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण में उसके अमूल्य योगदान से पूरी तरह अवगत है और कई उपायों के माध्यम से उनकी गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा करने, उनके समावेशी तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने संकल्प को नवीनीकृत करेगी।